नमस्कार मित्रों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम वाराणसी से लगभग 240 किलोमीटर दूर आए हैं अयोध्या। और बता दूं दोस्तों, अयोध्या में ही सरयू घाट आपको दिखाने वाला हूं मैं, और यहां का नज़ारा शाम कैसा तो वो दिखाने वाला हूं। चलिए चलते आपको नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, ये नया घाट है सरयू वाला, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बंदर है, मोबाइल वाले खींच लेते, इसे ध्यान दीजिएगा इन लोग का। चलिए आगे चलते हैं और हमको दिखाते हैं अच्छे से नज़ारे। ये है सरयू घाट, देखिए यहाँ से पूरा पक्का घाट है। आसाना जा सकते हैं, ये पुल है, काफ़ी बड़ा पुल है ये। और यहाँ पे देखिए रेत जैसे होता है नॉर्मली, काफ़ी लंबी नदी है वैसे। दोस्तों, ये एक्चुअल में गूगल मैप पे देखें तो घाघरा नदी है, तो कितने लोग कन्फ्यूज है घाघरा नदी है सरयू नदी क्या है ये। बता दें, घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, और लगभग घाघरा नदी 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। काफ़ी पवित्र नदी है, और दोस्तों जो राम की पैड़ी है उसमें जो जल जाता है वो इसी घाघरा नदी से जाता है, ये सरयू नदी भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर इसके लिए पंपिंग स्टेशन लगा कर पानी खींचा जाता है, ताकि लोग बाढ़ में नहाने से मतलब सुरक्षित रहे। कोई 1984-85 में लगभग बना था ये वाला घाट। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, उत्तर प्रदेश विभाग सरयू नहर खंड फैजाबाद चौधरी चरण सिंह घाट निर्माण स्थल। कितने खूबसूरत देखिए पेंटिंग बनाई गई यहाँ पर, और इसी कैनाल से यानी पंप से खींचा जा रहा है। यहाँ देखिए नदी का पानी देखिए बना है, यहाँ पर कितना तेज पानी खींचा रहा है, ये पानी खींचा जा रहा है और नदी में लगातार प्रवाह हो रहा है ताकि लोग स्नान कर सकें। क्योंकि यहाँ पर नहाना सुरक्षित नहीं होता है, बाढ़ का डर रहता है, इसलिए लोग वहाँ नहा लेते सुरक्षित रहता है। देखिए आगे लक्ष्मण घाट है, देखिए जैसे बोटिंग करने के जैसे घाट अपने बनारस में व्यवस्था है, इसी तरह यहाँ व्यवस्था है, बोटिंग करके पूरा आनंद ले सकते हैं। रेत वाला भी यहाँ इलाका है, इतना देख सकते हैं पक्का घाट है पूरा। चलिए चलते हैं पास दिखाते हैं आपको नज़ारे। उधर देखिए रेलवे ब्रिज दिख रहा है, इसे सरयू नदी ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, और लाइट भी चालू हो गई है ब्रिज के ऊपर। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 5:11, हम लोग घाट के एकदम किनारे आ गए हैं। अब बता दूँ दोस्तों कि सामने जो पुल आप देख रहे हैं, यह पुल सन यानी 2 जून 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसका अपने हाथों उद्घाटन किया था। बंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, मोबाइल में छीनने से थोड़ा दूर रहना है। ये पुल देख सकते हैं, ये जो पुल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और यह गोंडा बस्ती बलरामपुर जिलों को जोड़ता है। पहले यहाँ पर 1966 से पहले पीपा पुल हुआ करता था, लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने को काफ़ी राहत हो गया है। देखिए यहाँ से कितना घाट का, चलिए व्यू दिखाते हैं चल के आपके आगे। मेन आगे भीड़ ज़्यादा उस साइड, ये पुल का नज़ारा शाम के समय का, काफ़ी बड़ी नदी है। देखिए लोग, शाम हो गया, अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारे। वीडियो दोस्तों बने रहेगा, जिस सामने वॉच टावर बनाया गया है। ये शाम का समय दोस्तों है, इस समय अब बंदर सावधान थोड़ा रहना है। चलिए चलते हैं किनारे किनारे, आपको पूरा घाट का व्यू देते हैं कैसा शाम का नज़ारा होता है यहाँ पर। दोस्तों, जब भी आप अयोध्या आ रहे हैं यहाँ पर जरूर आइएगा, काफ़ी खूबसूरत घाट है ये चारों तरफ का। देखिए व्यू, लोग जल भर रहे हैं यहाँ पर। सरयू नदी पे आरती भी होती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आरती स्थल बनाया गया है। चलिए पास से दिखाता हूँ, इतना जगह देखिए बंद किया गया ताकि लोग कुछ करें ना। ये देखिए यहाँ पर बैठे लोग आरती देखने के लिए, ये देखिए यहाँ पर 5 अर्चकों को द्वारा यहाँ पर आरती होती है, ऐसी तैयारी चल रही है। ये देखिए आरती के लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आरती स्टार्ट होगा। ये पूरा आरती स्थल बनाया गया, सामने पुल देख सकते हैं, ज़बरदस्त एकदम पुल का व्यू आ रहा है, एकदम ऊपर से तो और अच्छा नीचे आएगा नज़ारा। और दोस्तों, इस घाट के क्या ऐतिहासिक स्थिति वो बताया गया, देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा यहाँ पर, कि ऐसी मान्यता है कि इस महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम के उद्धृत सरयू नदी के महत्व को पुराणों में प्रातस्मरणी नदी बताकर अतिशिष्ट तित किया गया है। मानसरोवर झील से निकलकर उत्तराखंड, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या को पावन
करते हुए गंगा में समाहित होती है। प्राचीन समय अयोध्या नगर में कोई नदी न होने के कारण राजा इच्छांकु ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की और वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनकी आज्ञा से ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को इस सरयू नदी को मानसरोवर से निकालकर भारत की भूमि पर अवतरित किया है। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा है, मिल रहा है शाम के समय। ये देखिए यहाँ पर आरती देखने के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये आरती स्थल है। मैं तो कभी बड़ा करके खींचता।